अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, दिस इज शुएब साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। सो होपफुली गाइस आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और पूरा एक हफ़्ता गायब रहने के बाद आज मैं दोबारा से जो है ना कम बैक कर लिया डेली रूटीन में, क्योंकि छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था तो बस इस वजह से मैं मसरूफ़ था, व्लॉग ही नहीं कर सका। तो अब मैं आ गया हूँ वापस, तो अब हम जो है वो पूरा वीक जो है रेगुलर व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि भाई साहब पूरा वीक मैंने मंडे को अपलोड किया, आज थर्सडे है, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई शूट नहीं किया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना फिर अब इतने दिनों के बाद आए थे आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आए, तो अभी स्पेशल के लिए भी आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए हम करेंगे आज ट्रैवल, और आज आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल व्लॉग, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जो है वो एक स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं। और मेरे साथ हैं जनाब, इनको आप जानते ही हैं, वही डॉन साहब हमारे। और आपको बताऊँ तो भाई ये यहाँ पे आए थे रहने के लिए एक दो दिन के लिए, लेकिन इनको अल्लाह की तरफ से एक पूरा हफ्ता यहाँ पे लग गया। पूरा हफ्ता लग गया, तो क्या कहना चाहते हैं? दो दिन के लिए आए थे, पूरा हफ्ता ही लग गया, पूरा काम इधर ही हो गया था। प्रोग्राम तो बढ़ गया, लौटदा पावा अस्तल लावा। तो गाइस अभी जल्दी से निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि भाई साहब को सूट जाना है तो यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो निकलते हैं और रास्ते में भी आपको एंजॉय करवाएंगे। ये हैं जी मंडी उस्मान बांदा, और ये जो सिटी है वो बहुत ही बड़ा सिटी है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो सारे गाँव ही हैं। तो ये भाई साहब है मंडी उस्मान वाला। गाइज हम अभी पहुंच चुके हैं जहाँ आप डिंगशा, ये आप देख सकते हैं बोर्ड, डिंगशा का बोर्ड लगा हुआ है। और ये जनाब है कसूर रोड, और ये अभी तक कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ से गुजरे हुए कोई मतलब 3-4-5-6 माह हो गए हैं जब आया था लाहौर, आपको पता ही है सेमेस्टर ब्रेक में, और तब ये रोड बन रहा था। और आज मैं आया था, अभी भी ये रोड बन ही जा रहा है भाई, ये है पाकिस्तान, क्या ही कह सकते हैं। अभी डिंगशा पहुँचे हैं तो आगे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। चलो गाइस आधा घंटा लगेगा, तो हमने अपने मेन मंजिल पे, तो जल्दी से निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सफ़र जो है वो जारी है, और आपको बताऊँ तो भाई बहुत ही मज़े का सफ़र है, और धूप भी है लेकिन जो है वो हवा ठंडी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमें जल्दी से पहुँचना है, और इसी वजह जो है टाइम से निकलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना हमें, पता है थोड़ा टाइम रह गया दिन जाने में, तो बाकी आपको दिखा ही रहे हैं रास्ते में सारा कुछ। ये देखें जी ये कसूर रोड जो कि अभी अभी बना है, हमारी मोटरसाइकिल को थोड़ा सा मसला बन गया, पता नहीं क्या इशू है, मिसिंग कर रही है। आपको बताऊँ तो भाई साहब बाइक का जो सफ़र होता है बहुत ही लेवल का सफ़र होता है, क्योंकि मैं तो बहुत देर ही हो गई है मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, मैं ज़्यादा जो है वो सफ़र बाइक पर ही करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से जो है बाइक पर अपना ही मज़ा आता है भाई साहब, जहाँ दिल करे आप वहाँ पे रुक के एडवेंचर कर सकते हो, मतलब खा पी सकते हो, वही सही एंजॉय का माहौल होता है, जहाँ पे जैसे दिल करे कर सकते हो। अभी हमारी बाइक को कोई मसला बन गया, पता नहीं क्या वजह बनी। चलो जी निकलते हैं। तो गाइस हमारी बाइक को पता नहीं क्या मसला बन गया, मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, तो क्या हुआ इसको पता नहीं क्या हुआ, प्लग का मसला हो रहा है, प्लग का कोई मसला है तो प्लग लगा रहा है वो। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं जनाब कसूर और सिटी ऑफ औलिया इकराम, यहाँ पे बहुत बड़ी दो हस्तियाँ हैं, और जिनमें से आज एक हस्ती के मज़ार पे हम हाज़री देने के लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, और दिन का जो रोशनी है वो कम होती जा रही है, इस वजह से हमने कहा जल्दी से पहले जो है ना वो व्लॉग को कम्प्लीट किया जाए। अभी हम कसूर जंक्शन से पैदल होते हुए जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कसूर जंक्शन, और ये वो जगह है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, क्योंकि भाई साहब लाहौर में मेरे ननियाल थे, तो वहाँ में जाने के लिए हम कसूर से यहाँ पे बैठा करते थे। दिस इज़ कसूर जंक्शन, और आगे से आपको दिखाऊं तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन आती होती थी पहले, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं आता, एक ही ट्रेन आती है सुबह जो जाती है वो रात को वापस आ जाती है। पहले कितनी ट्रेनें आती थी? बहुत ज़्यादा ट्रेनें आती, 5-6 आती थी, लाहौर जाती है। पहले ऐसा होता था 1-7 बजे निकलती थी, हम जब जाते होते थे आते थे 7 बजे के बाद एक निकलती होती थी जनाब, मतलब 9 बजे का टाइम होता था, उसको कराची टाइम भी कहते थे, और उसके बाद जनाब
मतलब इस तरह बहुत ज्यादा ट्रेन जो है ना वो आती जाती रहती थी। ओए होए होए गाइस इस साइड से व्यू चेक करें जरा, क्या ही कमाल का व्यू आ रहा है यार जंक्शन कसूर जंक्शन का। मतलब मेन बाजार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपको बताऊँ तो हर ब्रांड यहाँ पे आ गया भैया, स्टाइलो और बाकी के अदर ब्रांड्स भी यहाँ पे हैं, आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही मतलब लेवल का ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर बन गया है, मोबाइल मार्केट है और यहाँ पे आपको हर तरह का जो मोबाइल्स हैं वो मिल जाते हैं, हर तरह की एसेसरीज हैं वो मिल जाती हैं। आज का जो मेन हमारा पॉइंट था जहाँ पे हमने आना था वो था जी कसूर की बहुत बड़ी हस्ती और बाबा जी बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पे हाजिरी देना हमारा आज का मेन मकसद था और आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरा लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पहले मैं कभी नहीं आया तो आज यहाँ पे आया। चलो आपको भी जो है वो लेके चलते हैं और ये देखें जरा। तो भाई साहब फर्स्ट टाइम जो है वो मैं लाइफ में बाबा जी बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए आया हूँ, आप लोगों को भी विज़िट करवाते हैं और क्या सीन है अंदर चल के देखते हैं। सो गाइस हम इंटर हो चुके हैं अंदर और ये आते साथ ही जो है बहुत ही प्यारी माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है और अभी यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त है। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले देखे हैं गेट के ऊपर जो के ड्यूटी दे रहे थे। तो अभी ये मस्जिद का सारा जो एरिया है उसके साथ ही अभी हम इस साइड को जाएंगे तो वो मज़ार है तो मज़ार पे चलते हैं। और आज फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ तो अंदर से तो क्लोज़ है क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच है, लेकिन जब हम इंटर हुए हैं तो उसके बाद बहुत बड़ा सीन बना हुआ है तो चलते हैं अभी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। सो जी ये मेन गेट है और यहाँ पे इंटर होते साथ ये चीज़ें कुछ लगी हुई हैं। ये क्या चीज़ है ऐसी चीज़ है मतलब बच्चों के खिलौने और साथ में ये फूल वगैरह हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी दरबार वगैरह पे होते हैं ये छल्ले वगैरह जो कड़े वगैरह होते हैं उसके साथ छल्ले वगैरह हैं। और ये बाबा जी की जो सारी किताबें थी शायरी की वो हैं, उसके साथ साथ और भी ज़्यादा आपको जो है वो शायरी की किताबें मिलने को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं कलाम बाबा जी बुल्ले शाह। गाइस ये भी साथ में मेन पे जो है वो लकड़ी के जो सामान है वो पड़ा हुआ है तो ये वो होता था मतलब ये कुछ चीज़ बनी हुई है मुझे इसका नाम नहीं आ रहा वो था ये। तो बाकी इसके अंदर ये बूटी छूटी कूटने वाले के जो बूटी छूटी बनाते हैं वो है, मतलब बर्तन बने हुए हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत। होगा इस बादशाह मस्जिद जाएँ या फिर जहाँ पे भी जाएँ तो ये सिक्योरिटी वाला सीन हर जगह पर आपको मिलेगा। और अभी हम इंटर होते ही ये आप देख सकते हैं सो बहुत ही यार खुला दरबार बना हुआ है, उस साइड पे कोई क्वालिश वाली भी हो रही है। तो जी गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मज़ार के अंदर और आपको बताया तो बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो आपको बताऊँ तो ये बाबा जी के जो मानने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से कसूर के अलावा भी जितने भी दूर दूर के मकामात हैं वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए। और आपको बताऊँ तो कसूर जो है वो फेमस ही बाबा जी की मतलब नज़रे करम से है। तो अभी जो है हम मज़ार पे चलते हैं हाज़िरी देते हैं और बाबा जी की दस्तार मुबारक जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है वो भी आपको ज़ियारत करवा देते हैं। चले जी ये माशाल्लाह माशाल्लाह सो ये आप ज़ियारत कर सकते हैं यहाँ पे। ये जी है सितार मुबारक और ये बाबा जी की सितार मुबारक है और ऐसे के ऐसे ही मतलब इन्होंने अभी तक संभाल के रखी हुई है सो ये आप देख ही सकते हैं। और ये जी कुल्ला मुबारक है बाबा जी का, ये आपने देख ही सकते हैं। और ये बोर्डरी मुबारक, ठीक है, तो मतलब ये बाबा जी का सामान वैसा एज इट इज़ जो इन्होंने संभाल के रखा हुआ है तो बड़ी बात है, ये भी एक ज़ियारत हमें देखने को मिलेगी। सो जी ये है जी बाबा जी का मज़ार, बाबा जी बुल्ले शाह सरकार, सैयद अब्दुल्ला शाह उनका नाम था और इनको जो है वो बाबा जी बुल्ले शाह के नाम से वो बहुत ही फेमस हैं। तो अभी हम अंदर जाते हैं और हाजिरी देते हैं दरबार पर। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो कव्वाली हो रही है और आपको पता ही है कि जैसा कि दरबार जो होते हैं मज़ार होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कव्वाली का माहौल होता है, इसे आप देख ही सकते हैं। तो गाइज़ ये था जी बाबा जी बुल्ले शाह सरकार का दरबार मज़ार और जहाँ पे हमने अपनी हाजिरी लगवा ली है। और आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं आज, सो कव्वाली शवाली भी हो रही है क्योंकि आज जुमेरात है तो जुमेरात में जो है वो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बाबा जी सरकार जो हैं वो
मतलब इन्होंने पंजाबी में बहुत ही आला शायरी की, जैसे कि इकबाल शायरी की, और ये सूफियाना शायरी होती है जिसमें जो है उन्होंने इस दुनिया को तर्क करके अल्लाह ताला के साथ जो है वो लगाई और एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज तक जो दुनिया है वो उनके मज़ार पे आती है, दुआ करती है। सिख ज़्यादा आते हैं इंडिया से, सिखा इंडिया से बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। अच्छा, और वाहिद भाई बता रहे हैं कि इंडिया वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको, और सिख जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, क्योंकि भाई साहब ये ज़्यादा यहाँ पे सिख थे कसूर में और ये सिखों का इलाका था पंजाब, तो ये आप देख ही सकते हैं भाई साहब नज़ारा। तो बाबा जी बुल्ले शाह की एक पंजाबी की जो पोइट है वो भी मैं आपकी अर्ज़ करना चाहूँगा। बाबा जी फरमाते हैं, सर ते टोपी ते नीयत खोटी और लैना की सर टोपी धर के, मतलब कि आपके सर के ऊपर जो है वो टोपी होती है लेकिन नीयत जो है वो खोटी होती है, और बहुत ही गहरी बात की है अगर हम इसको समझें कि भाई साहब सर में टोपी रखी हुई है और नीयत जो है वो कुछ और है, दुनिया में लगे हुए हो। अगला शेर है, तस्बी फेरी पर दिल ना फेरिया, लैना की तस्बी हाथ फड़के, मतलब तस्बी तो आप फेरते रहते हो, तस्बी पकड़ लेते हो, लेकिन जब आपका दिल ही नहीं फिर सकता तो आपको तस्बी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई साहब बहुत ही उनकी सूफियाना कलाम थे जो कि आज तक बहुत गहरी बातें करते हैं, बहुत गहरा जो है सबक वो हमें बताते हैं। दूसरी बात ये है गाइस के यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, और जो कसूर शहर की नस्बत है वो बाबा जी के वसीले से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आपको बताऊँ तो उनके चाहने वाले उनके मुरीदैन बहुत ज़्यादा हैं, और अभी हम यहाँ पे आए हैं तो मतलब एक दिल को सुकून सा फील हुआ है। तो अल्लाह ताला जो है हमारी आज की हाज़िरी जो है वो कबूल फरमाए, क्योंकि ये होता है कि अल्लाह ताला के कहते हैं कि दरबारों पे नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब दरबार पे आप जाएं, दुआ करें, और ये नहीं होता कि सजदे करते हैं। मैंने अभी आया हूँ तो किसी को नहीं देखा सजदे करते हुए, ये सारी मतलब ऐसे ही मनगढ़ंत बातें होती हैं, और यहाँ पे आके दुआ की जाती है कि या अल्लाह अपने स्नेक बंदे के वसीले के साथ जो है मेरा ये काम पूरा कर दे, मेरी मुराद पूरी कर दे, और कोई मकसद नहीं होता और कोई काम नहीं होता, बस ऐसे मनगढ़ंत लोगों की बातें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार पे जाना चाहिए और वहाँ पे हाजिरी लगवानी चाहिए। हाजिरी लगवाने का मतलब ये है कि वहाँ पे जब बंदा जाता है तो कुछ सीखने को मिलता है, एक फीलिंग्स अंदर से उठती है कि भाई साहब अल्लाह के नेक बंदे हैं तो इनके वसीले से शायद हमें जो है वो कुछ सीखने को मिल जाए। आप लोगों का भी जो दिल है वो खुश हो गया होगा, क्योंकि भाई साहब एक ऐसा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए पहले हमने कभी नहीं दिया अचानक से, तो आज आपका दिल जो है वो एकदम से खुश हो गया होगा जब हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं और मज़ार पे हाज़िरी करवा दी यार, आप लोगों की लाइव हाज़िरी करवा दी है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो गाइस आज का जो हमारा ब्लॉग था बहुत ही मज़े का था, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ में, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के औलिया इकराम को मानने वाला हूँ और उनके मज़ार पे जाके हाजिरी भी देने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और अल्लाह ताला ने मतलब मुझे जो आज शर्फ बख्शा है और यहाँ पे हाजिरी देने का, क्योंकि भाई अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताऊँ तो भाई खुशकिस्मती है मेरी यहाँ पर आऊँ, 23 साल हो गए, मेरी उम्र 23 साल हो गई और आज जो है वो यहाँ पे मैं आया हूँ फ़र्स्ट टाइम, और पहले कितनी बार कसूर आया लेकिन कभी भी ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ यहाँ पे आऊँ, और आज मैं यहाँ पे आके हाजिरी दे दी है। तो यहाँ पे अगरबत्ती जली हुई है, ये आप देख ही सकते हैं, तो अगरबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती हैं, और दरख्त बहुत ही पुराना, और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी अपनी जो ख्वाहिशात के धागे बांधे हुए हैं वो हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें ज़रा, तो ये लोग बांध जाते हैं यहाँ पे और मन्नत वगैरह मानते हैं जी, ये हमारी मन्नत पूरी हो जाए इस वजह से यहाँ पे बांध देते हैं। तो जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो ये आके खोलते भी हैं, खोल जाते हैं, खोल कर फिर देख लेके आते हैं, बांधते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस भी जो भी शख्स यहाँ पे आता है अपनी जो दिल की ख्वाहिश होती है मन्नत ले कर आता है, तो जब उसकी पूरी हो जाती है तो फिर वो कहता है जी मैं ये करूँगा, मतलब देख लेके आऊँगा, इतनी देखें चढ़ाऊँगा, लंगर बांटूँगा, जो भी नेक काम कर दे मस्जिद में दे दे जो भी करे, तो वो
उसको करना पड़ता है फिर ऐसे ही क्योंकि ये अल्लाह ताला के वली के वसीले के साथ होता है तो भाई ये करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे जो है ना वो दिए वगैरह जलाए हुए हैं और ये साथ में जो है लोग मनते वगैरह मानते हैं तो धागे छागे बांधे हुए हैं तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ पे दिया जलाते हैं। बाबा जी लोग मन्नत मांग के दिया जला देने और जो दिल की ख्वाहिश होगी मांग करना अल्लाह ने वसीले। हाँ जी बिल्कुल जी वसीला ही होता है वसीले ना जी पांच पाकिस्तान के बाहर ऐसे जिन्हें बहुत ज़्यादा चिराग जी दरबार के अंदर बीबियाँ पाक दामना अहमद लाल सैन साइदुल्ला ऐसे दरबार पीर का दीवा बलदा ही रहता है। अच्छा जी ना कभी इमरान खान ना बलेदा ना नवाज शरीफ का ना बलेदा बिल्कुल 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 ना दीवे बलन शहन शाह वाले ना वजीरा ने सलाह दीवे बटन जो है अल्लाह ताला के साथ यारी लगाओ। अल्लाह ताला से यारी लगाने के लिए जो दिल के अंदर मैं होती है ना बंदे के अंदर मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा वो चीज़ को ख़त्म करना पड़ता है फिर जाके ही बंदा जो है वो मकाम हासिल कर पाता है। तो जी आज का हमारा मेन मकसद व्लॉग यही था कि हम बाबा जी बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पे हाज़िरी दें जो कि हमने हाज़िरी दी है तो अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और इन्हीं के सदक़े हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए नेक रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं होपफुली आपको बहुत ही अच्छा लगा।